जूसी और टेंडर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश और वर्तिका किचन में। आज हम आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन रेसिपी ले आए हैं। आज हम आपके लिए बनाएंगे KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन। मैंने सारे के सारे लेग पीसेस लिए हैं क्योंकि मेरी बेटी को यही पीसेस पसंद है। आप चाहें तो कोई दूसरे पीसेस भी ले सकते हैं। और आधा किलो चिकन के लिए हमने लिया है 40 ml ऑयल फर्स्ट मैरिनेशन के लिए, और हमने लिए हैं सूखे मसाले कुछ, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए जिन मसालों की हमें ज़रूरत है वो है 1 teaspoon अदरक पाउडर, पिंच ऑफ काली मिर्च, 1/4 teaspoon ऑफ मस्टर्ड पाउडर, 1 teaspoon ऑफ लहसुन पाउडर, 2 teaspoon ऑफ देगी मिर्च, पिंच ऑफ हल्दी, 1/4 teaspoon ऑफ चाट मसाला और पिंच ऑफ टाटरी। टाटरी एक तरह का नमक ही होता है, इसमें एक लेमन फ्लेवर नमक कहते हैं इसको बेसिकली, ये थोड़ा सा डालना है, और 1/2 teaspoon नमक। चिकन हमने अच्छे से वॉश कर लिया दोस्तों। अब हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे जो मैंने आपको बताए थे। अब इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए। तो अगर आप इसे रात भर के लिए मैरिनेट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करें फ्रिज में ढक के। तो दूसरी सीजनिंग के लिए हमने लिया है 250 ग्राम मैदा और 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें एक बड़े बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1/2 teaspoon मस्टर्ड पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon देगी मिर्च, पिंच ऑफ टाटरी, 2 teaspoon गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और 1/2 teaspoon जिंजर पाउडर और पिंच ऑफ काली मिर्च। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चिकन को उठाएंगे और इस मिक्स में डालेंगे और इसको अच्छे से रब करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए, ये जो पानी है दोस्तों ये बर्फ का पानी है, ठंडा पानी है। इसमें आप इसको ऐसे डिप करेंगे। तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद हम इसको वापस निकाल लेंगे और इसके पानी को थोड़ा सा निकालेंगे और इसको वापस हम लोग इसी मिक्स में डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर सारा ये मिक्स लगाएंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ऐसे इसको प्रेस करने से इसमें क्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छे से प्रेस कीजिएगा, एक्स्ट्रा सीजनिंग हटा लीजिए और इसको हम लोग यहाँ रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी चिकन पीसेस को भी कर लेंगे। तो हमारे 6 के 6 पीसेस जो है हमने अच्छे से सीजन कर लिए हैं, इनमें अच्छा खासा क्रस्ट जो है अभी से दिखने लगा है। अब हम इनको फ्राई करेंगे और फाइनल आउटपुट निकाल लेंगे। तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और गैस ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पे। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना चिकन को फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। और इसको हम लोग पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसको बिल्कुल ना छेड़े फ्रेंड्स, कम से कम 1 मिनट के लिए। लगभग 1 मिनट हो गया है, अब इसको हल्का सा हिलाएंगे और हल्का सा इसको फ्लिप कर देंगे। अगर आपका ऑयल आपको लग रहा है कि ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दीजिए। तो चिकन को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब हमारा चिकन जो है वो पक चुका है, इसको हम लोग बस निकाल लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कितना अच्छा क्रस्ट क्रिएट हुआ है। अब हम इसको प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो
देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं ये बाहर से कितना क्रस्टी है और अंदर से उतना ही जूसी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, मैं पूरा भरोसा आपको दिलाता हूँ कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।